सामने आप मेरा ये गुड़हल का एक पौधा आप सामने देख रहे हो। इस पौधे की फूल की तो दूर की बात, इसके पौधे की रूरा में आप देख ही रहे हो किस तरह से ये पौधा मेरा बेकार और बिल्कुल घना और हरा भरा नहीं था और बिल्कुल बेकार हो चुका है ये पौधा। मतलब फूल की तो दूर की बात, इस पर इतनी बीमारी ने घेर लिया ये पौधा कि इस पर ये फंगस की जो बीमारी लगती है, ये कीड़ा होता है ये वाला, इसका पौधे ने, ये कीड़े ने बिल्कुल पौधा अच्छी तरह से घेर चुका है इसे गुड़हल के पौधे पे। तो इसके बारे में आज एक पूरी ऐसी एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह का अगर आपका पौधा गुड़हल का अगर आपके घर पे हो तो मैं उसको एक फ्री का नुस्खा बताऊँगा कि जिससे ये बीमारी आपकी दूर हो जानी चाहिए और पौधा सुरक्षित और बढ़िया बचना चाहिए। तो मैं इसके पौधे के बारे में इसीलिए आपको एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसीलिए कि आप अगर इस तरह के पौधे अगर अपने गार्डन में या गमले में अगर लगे हुए हैं तो आप लोग इस तरह से अगर आपके पौधा बचा सकते हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भैया। तो जैसे ये जो पौधा जो अगर मेरा जो बाल्टी में जो लगा हुआ है, ये पौधा तो सही है और ये पौधा मरया भाई नहीं है। ये पौधे में बस दिक्कत इसीलिए आई है कि इस पौधे पर जो सफ़ेद रंग का जो कीड़ा होता है उसकी वजह से ये पूरा पौधा बीमारी से घिर चुका। तो इसको बचाने का जो तरीका है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से बचा सकते हो। तो भैया जैसे अभी आपको मैंने ये गुड़हल का पौधा दिखा रहा हूँ, तो एक तरीका आपको एक अपनाना है कि जैसे इस तरह का अगर पौधा किसी प्रकार से अगर हो गया हो तो आपको इस तरह से इसको कट करना है कि जैसे मैंने इस तरह से ये कट कर रहा हूँ। जितनी भी टहनी अगर इसकी हो काट दो आप बेचिंता होकर, क्योंकि अगर आप काटोगे नहीं तो आपका पौधा बिल्कुल घना और हरा भर के नहीं आएगा और इस तरीका से ये बीमारी फिर बढ़ती रहेगी और पूरे पौधे को बिल्कुल बेकार कर देगी और आपका ये गुड़हल का पौधा अच्छी तरह से ग्रुप नहीं देगा और नहीं फूल दे। तो इस तरह से आपको ये काटना जरूरी पड़ेगा जैसे मैंने काट रहा हूँ। तो आप इस पर से बेचिंता होकर काट दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पौधे के लिए। तो मैं आपके सामने ये काट के काट रहा हूँ, तो देखो इस तरीका से मैंने ये पौधा बिल्कुल सफा काट दिया। तो इसके काटने से दो कारण होती हैं, क्योंकि एक तो इसके काटने से नई कंचियाँ भी आएंगी और नई कंचियों के बाद में जब फूल से ये जब इस पर फूल आएगा नई कंचियाँ आएंगी तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा गमला बिल्कुल हरा भरा और बिल्कुल कंचियाँ देकर आएगा और आप फूल भी देखोगे तो हाँ कहोगे कि हाँ वाकई में भी इस पर फूल आने चालू हो गए। क्योंकि इस पर जब बीमारी ने घेर लिया तो इस पर फूल ही कहाँ से आते, क्योंकि वही जब ने किल्ली बढ़ती तो ये सफेद रंग का कीड़ा हमारा मार देता था पौधे को लिए। तो इसीलिए इसकी कटाई बहुत ज़रूरी है भैया। बीच बीच में अगर आपका गमले में पौधा लगा हुआ है जब ये समझ लो कि आपको बिल्कुल डुंठी करना है ये पौधा। तो मैंने भैया इस तरह से ये पौधा बिल्कुल काट दिया। तो भैया जैसे आप लोगों को जैसे कीड़ा ना लगे गुड़हल के पौधे पे, जो सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है वो नहीं लगे, तो आपको एक मैं देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल करने से बिल्कुल कीड़ा हट जाएगा। और जो चीज़ हम बीच बीच में करते रहते हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं। तो हमारे पास इस छोटी से इसमें करीब में एक लीटर पानी है और एक लीटर पानी में हम देखो ये थोड़ा सा ये डालेंगे, एक इनू हमारे पास में। तो भैया मैंने देखो इसमें जो है पहले तो एक इनू डाल रहा हूँ इस पानी में, अब मैंने ये इनू डाल दिया। अब इस पर ये आप सामने जो देख रहे हो ये मेरे पास ये चामर का बना हुआ ये माड़ है, इस पानी में डालूंगा, ये कीनू डाल दिया मैंने और ये माड़ का पानी डालूंगा। ये सामने आप देख रहे हो इस भगवान में ये माड़ का पानी है। तो इस तरीका से मैं ये माड़ का पानी इसमें डाल रहा हूँ भैया, देखो इस तरीका से ये से अगर डालोगे तो आपको बिल्कुल ठंडा करके ही डालना है, गर्म तो कोई नहीं डालता है, ठंडी डालते हैं सब लोग। तो भैया इस तरह से जो मैंने इसमें माड़ का पानी जो है डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह से आप इस तरह से घुमा लो खूब बढ़िया करके, इसे इस तरह से मिला लो खूब बढ़िया तरह से, इससे मिल जाए ये। और मिलने के बाद में भैया इस तरीका से आप लोगों पे एक लीटर की या दो लीटर की मशीन तो होती है सबके घर पे, क्योंकि जब पौधे होती हैं तो मशीन भी होती है। तो ऐसे ही जैसी जो मशीन हो छोटी छोटी जे बीच बीच में आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आप लोग इस तरह से ये मैंने तो इस तरह से आप लोगों को छिड़काव करना है, जैसे मैंने ये पूरी टहनी इसकी भिगो दी। अब इसको जो है मैंने जो इसकी नई ग्रोथ जो आएगी
तो उस पर आपको बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि अब जिससे मैंने इतनी धुलाई कर दी आपकी पौधे की कि इस पर कोई भी कीड़ा दोबारा लगेगा नहीं इस चीज़ के छिड़काव से। तो भैया आप लोगों को इस तरह से ये पानी बना बना के, ये देसी नुस्खा है, और आप लोग गुड़हल के पौधे पे इस चीज़ का आप इस्तेमाल करके देखो एक बार, तो आपका मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया और हेल्थी बन कर आएगा, और जो कलियां भी निकलेंगी बिल्कुल साफ सुथरी निकलेंगी, और दोबारा ये कीड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जितनी बीमारी की जो ही वो मैंने पहले ही काट चुका था। और आपको एक दूसरी जानकारी दूंगा, जैसा आपको कोई कटाई छटाई नहीं करनी है और पौधा आपका कोई ज़मीन में लग रहा है और उस पर ज़्यादातर कीड़ा आ रहा है, तो उसको फिर मैं एक दवाई और बताने जा रहा हूँ भैया। तो वो दवाई जो होगी वो अंग्रेजी दवाई होगी भैया, उनीडा नाम से एक कोई दवाई आती है, और वो हर एक दवाई वालों के यहाँ मिल जाती है, तो वो इतनी इस्तेमाल हम करते हैं पौधों पर, वो गुड़हल के पौधों के लिए वो इतनी कारगर दवाई है, उनीडा नाम की जो दवाई है वो इतनी कारगर है। उससे एक, जैसे मैंने आपको इस बोतल में दिखाया, तो इस बोतल में सिर्फ एक ही ढक्कन दवाई डालनी है एक पौधे के लिए अगर बनानी है तो इतना छोटा ढक्कन आता है, तो वो उनीडा नाम की जो दवाई है वो इस एक ढक्कन पानी में इसमें मिला लो, मगर वो एक बात जरूर देखनी है, कोई साफ सुथरा या तो मुँह से कोई डठियारा बांध लो। हाँ भैया, अगर मैं इस पौधे के बारे में आप लोगों को गुड़हल के बारे में बता रहा, तो जैसा मैंने आप लोगों को पीछे बताया इस गमले में वो गुड़हल के बारे में छटाई कटाई करी थी, तो इसकी पौधे की मैंने काफ़ी करीब में एक डेढ़ महीने पहले ही इसकी छटाई कर चुका हूँ। तो ऐसे ही इस पर जो है फंगस की जो बीमारी थी आपको, जो मैंने आपको दिखाया वो सफ़ेद वाला कीड़ा था वो लगा हुआ था, और इसी तरह की मैंने उस पर भी कटाई कर दी इस पौधे की। तो आप जो एक डेढ़ महीने में जो कलियाँ देख आया है पौधा, तो आप सामने देख ही रहे होंगे कि नहीं तो इस पर कोई बीमारी है और नहीं कोई इस पर वो है, कोई भी रोग इस समय नहीं है, और इस पर जो कलियां बननी है वो चालू हो चुकी हैं भैया। तो देखो इस तरह की जो कलियां आप जो है हल्की हल्की जो बननी चालू हुई हैं, तो इस पर आप फूल जो है बराबर भर के आएगा, और छोटे से ही कली से ही फूल आना चालू हो जाएगा। जो मैंने इसकी कटाई छटाई कर देता हूँ तो वो छोटी सी कली से ही फूल आना चालू हो जाता है। तो भैया ज़्यादा अगर फूल लेने का जो होगा वो नुस्खा वो आपको बताऊंगा मैं, जो देसी नुस्खा है मेरे पास में जो मैं करता रहता हूँ तो मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को उसका इस्तेमाल करना है। तो पहली बात तो आप इसकी नराई गुड़ाई का विशेष का ध्यान रखेंगे, तो इस समय आप जो है इसका पौधा ये चालू हो गया और पौधा मेरा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया है, और इस पर फूल बनने चालू हो चुके, अब इसकी मैं नराई गुड़ाई करने आया हूँ, और इस पर जो चीज़ मैं लगाऊंगा वो आप लोगों को बताऊंगा कि इस चीज़ से आपके फूल ज़्यादा कैसे आएंगे। तो अब इस समय मैं इसकी नराई कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा और इस पर इससे ढेर सारे फूल आएंगे इस गुड़हल के पौधे पर, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसकी नराई गुड़ाई कर दी है इस गमले की, और ये ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है, और पौधा आप देख ही रहोगे कितना हेल्थी और कितना सुंदर और बढ़िया बन कर आया है। बस आपको एक ही तरीका है कि इससे जो है गुड़हल के पौधे को आप रखना धूप में ही है, क्योंकि ये पौधे होते हैं फुलवाड़ी के, जितने फूल के पौधे होते हैं वो ज़्यादातर धूप में ही ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये फूल के पौधे जो है जितने धूप में रखे जाएंगे उतने ही अधिकतर फूल ज़्यादा आएंगे भैया। तो देखो मैंने इसकी नराई गुड़ाई कर चुका हूँ, तो देखो मेरे पास जो है एक लीटर पानी है ये मग्गे में, और इससे ज़्यादा फूल लेने के लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो सामने इस कप में ये देख रहे हैं मेरे पास ये पिसी हुई एक हल्दी है, और इस हल्दी का इस्तेमाल हम इस पौधे पर करेंगे, तो आप लोगों को करीब में इतनी हल्दी लेनी है एक चम्मच के लिपेटिक में एक पौधे के लिए। तो इस पानी में मैंने लगभग करीब में एक चम्मच हल्दी डाल दी, और एक चम्मच में से फिर मैंने ये वही वाला आपको बता रहा हूँ कि ये पनवाड़ी की दुकान पर ये चूने का पैकेट मिल जाता है, और ये बिल्कुल ठंडा वाला होता है, तो इसका करीब में एक ही चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने अंदाज से एक चम्मच करीब में डाल रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब मैंने इस चीज़ का भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस इस चीज़ का हम इस्तेमाल बीच बीच में करते रहते हैं, मगर अच्छी तरह से आप लोग इस तरह से घोल लो जैसे मैं आप लोगों के सामने ये घोल रहा हूँ। चूना और ये हल्दी का पानी मैंने ये बिल्कुल बराबर घोल दिया है। अब ये अच्छी तरह से जब घुल जाए तो आप एक लीटर पानी में
या एक लीटर हो या डेढ़ लीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेढ़ लीटर डालो तब भी चल जाता है, मगर ये डालना जब भी आप लोगों को, गमला आपका बिल्कुल खुश्की होना चाहिए। गमले में ज़्यादा नमी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जैसा पानी लगा हुआ हो पौधे में फिर नहीं डालना है। डालना जब है जब गमला तुम्हारा खुशक हो जाए और हल्की हल्की कलियाँ तो इस पर निकली रही हैं, तो जैसे ही खुशक होगा और आप इस पानी का आराम से इस्तेमाल कर दो भैया, जैसे मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो देखो इस तरह से आप लोग इस गमले में डाल दो, जैसे मैंने ये डाल दिया भैया, देखो इस तरह से अब डाल दो। अब ये पानी इतना कारगर हो गया इसके अंदर, ये मैंने हल्दी का और ये चूने का पानी जो डाला है, तो अब आप इस पर 15 या 10 दिन के बाद में इतनी कली और इतना फूल देखोगे, क्योंकि क्या हमारे यहाँ तो भाई फूल आते नहीं है गुड़हल पे, इनके यहाँ इतने आते हैं। और आपको मैंने गुड़हल के बारे में फूल वाली गुड़हल पे जो फूल आता है वो दिखाया भी होगा, और आपको 10 दिन के बाद में इसी वीडियो को ये भी दिखाएंगे और मैं भी दिखाऊंगा कि इस पर कितने सारे फूल आएंगे। और मैं ये डाल के जा रहा हूँ और 10 दिन के बाद में इस पर फूल ही फूल देखोगे आप, और इस बात का मेरा दावा है, क्योंकि मैंने ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है इस पर।